प्रदेश सरकार कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों को 50,000 की आर्थिक सहायता दे रही है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हो गई थी, उनके परिजनों को प्रदेश सरकार के द्वारा 50,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति के परिचित में किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से हो गई हो तो वह व्यक्ति तहसील सदर में फॉर्म लेकर भर कर जमा कर दे तो मृतक व्यक्ति के परिजनों के खाते में 50,000 रुपए की सहायता राशि भेज दी जाएगी, तथा ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई थी तथा फ्रंट लाइन वर्कर थे और शासन के द्वारा 50,00,000 या 30,00,000 की सहायता राशि मिली थी, उन सभी लोगों को 50,000 की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी तथा ऐसे लोग फॉर्म भरकर तहसील में जमा कर दें जिससे उनके खाते में पैसा भेजा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को जिनकी कोविड में दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई थी उनको 50,000 रुपये की अहेतुक सहायता दी जा रही है। जनपद के सभी निवासियों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि उनके कोई भी परिचित हों तत्काल वो तहसील से फॉर्म ले लें या न्यूज़पेपर में फॉर्म पहले से प्रकाशित हुआ है, एक प्रोफार्मा है उसमें वो भर कर दे दें तो उनके अकाउंट में जो भी उनके वारिस होंगे उनके खाते में 50,000 रुपये चला जाएगा। इसके साथ यह भी सूचित करना है कि ऐसे लोग जिनको 50,00,000 रुपये या 30,00,000 रुपये मिला था निर्वाचन ड्यूटी के उसमें या फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में, उनको भी ये अतिरिक्त रूप से 50,000 रुपये दिया जाएगा, तो वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर दें जिससे उनको तत्काल इस धनराशि को वितरित किया जा सके। कितने देर तक ये लोग कर सकते हैं आवेदन, कितने दिन तक कर सकते हैं? जितना जल्दी कर दें, कल परसों तक कर दें, जितना जल्दी कर दें उतना अच्छा है।